जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आभार है। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाए। आपका इश्क कौन है, आज हम उस पर बात करेंगे। ये सभी के लिए की बात होगी, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के युवा बहुत बार कमेंट्स में लिखते हैं कि हम किससे प्यार करें, किससे इश्क करें, और इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं, मैंने देखा कई बार। तो अगर आपको इश्क करना ही है तो अपने लक्ष्य से करें, अपने जीवन के टारगेट से करें। अगर आपको उससे इश्क हो गया तो फिर वो आपको मिलकर रहेगा। लक्ष्य का सीधा सा है कि जीवन में जो हम बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो एक एम है हमारा, एक मुकाम है कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। अगर आप उसे सच्चा इश्क करेंगे तो ज़रूर आप पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। दो व्यक्तियों का इश्क जो है वो इश्क एक अलग विषय है। वो इश्क जो है आज के दौर में, जो इश्क है वो आंखों तक, इसके आगे हवस है। तो वो दौर अब खत्म हो चुका है, खत्म नहीं कह सकता हूँ, वो एक अलग माहौल, एक अलग वे है और एक अलग बात है जिस पर हम और कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आप वाकई में इश्क के बात करते हैं तो अपने लक्ष्य से इश्क रखें, फिर देखें आप अपने जीवन में आनंद देखें, उत्साह देखें। आपको तमाम चीज़ें जो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे, और इसमें उम्र कोई दिक्कत दे विषय नहीं है कि आपकी उम्र ये हो गई, वो हो गई। आप कहीं से भी नई शुरुआत कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये बातें कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, एक निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।